स्वागत है आपका अपने चैनल डेली न्यूज में। दोस्तों, योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 28 सितंबर से पूरे राज्य में डीलर के जरिए होंगे कमर्शियल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जैसे कमर्शियल गाड़ियों का लेकर ऐलान किया है कि अब प्राइवेट गाड़ियों की तरह कमर्शियल गाड़ियां भी रजिस्ट्रेशन डीलर के जरिए किए जाएंगे। 28 सितंबर 2020 के पूरे राज्य की यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, जिसके चलते परिवहन विभाग ने जारी किए पहले कमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन के लिए RTO ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है। इन्हीं के जरिए लेकर नई व्यवस्थाओं को तहत गाड़ी खरीदने वालों को RTO कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब प्राइवेट गाड़ियों को तरह शोरूम में डीलर कमर्शियल गाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा देंगे। हालांकि फिटनेस सहित अन्य सर्किट की तरह अभी RTO ऑफिस की चक्कर लगाना पड़ता है। गाजियाबाद के RTO विश्वजीत सिंह ने कहते हुए यूपी शासन की तरफ से नया आदेश जारी किया है। आगामी 28 सितंबर से जिस शोरूम में कमर्शियल गाड़ी खरीदी जाएगी, वहीं से ऑनलाइन कागजों को RTO कार्यालय में भेजा जाएगा। RTO कार्यालय दस्तावेज के जांच करने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर देगा। वहीं पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर शोरूम भेज दिया जाएगा। वहीं गाड़ी मालिक RC पेपर ले सकते हैं और अभी तक के हल्के वाहनों को या चार पहिए गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन डीलर पॉइंट से हो रहा था, लेकिन अब कमर्शियल वाहनों का भी थोड़ा जोड़ा जा सकता है। कमर्शियल गाड़ियां भी अब तक के रजिस्ट्रेशन की जाएंगी।